हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इसरो यूआरएससी 2019 के पूछे गए क्वेश्चन। तो जो क्योंकि आने वाले हैं 3 तारीख को भी एग्जाम है इसरो यूआरएससी का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी के टाइप में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि 4 माइक्रोन है, 4 माइक्रोन ऑप्शन दिया गया है, 0.04, 0.004, 0.0004। राइट आंसर क्या होगा आप कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। अभी बनाते हैं इसको। 1 माइक्रोन आपको पता होगा, 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm के बराबर होता है। पूछा गया है 4 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर इतना था। 4 माइक्रोन के लिए क्या करेंगे, 4 माइक्रोन इक्वल टू 4 × 0.001, इसको गुणा करेंगे 0.004 mm आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी एग्जाम का है, जो प्रीवियस ईयर का है। तो 3 की पावर 0 और +3 2 की पावर 1 -1 और 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है, किसी भी के भी पावर अगर 0 हो, x के पावर 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमको हमेशा याद रखना है, x के पावर 0 हो तो मान 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 की पावर -1 -3 की पावर 0। तो यहाँ चलें 3 की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस, और ये 3 की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस था जो छूट गया है माइनस, ये भी माइनस हो गया। तो 3 के पावर -1 है, तो 3 के पावर जब भी माइनस होता है तो इसको हम 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 हो गया। वही काम नीचे करेंगे, 3 के पावर -1 है, 1/3 माइनस 3 के पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, एक इसको जब एलसीएम करेंगे इसका, तो 3 × 4/3 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं समझ में आए तो हम बाई में 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 × 3 और 3 में से 1 गया तो -2 आएगा, -2/3। अब इसको क्या करेंगे, 4 4/3, और ये जब इसको भाग से गुणा में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाता है, 3/2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ 2 से 2 2 4, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है, और पूछा गया है 1/a+1 + 1/b+1, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/a+1, ए का मान कितना दिया गया है, √2 + 1 और +1 + 1/b+1, बी का मान कितना है, √2 - 1 + a वाला 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, जब दो हो, जब एलसीएम नहीं समय, दोनों का गुणा ले लिया जाता है, गुणा होता है एलसीएम, तो इन दोनों को उठा लेंगे, √2 + 1 + 1, गुणा में हो जाएगा ये √2 - 1 + 1। अब ये गुणा हो गया तो एलसीएम लेने के लिए भाग दिया जाता है, तो इससे जब हम भाग देंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस वाला, तो यहाँ लिख देंगे फिर √2 - 1 + 1, ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस का साइन, और जब इससे भाग देंगे माइनस से तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा इस साइड वाला √2 + 1 + 1, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्लस और माइनस है तो ये 0 हो जाएगा,
और ये 1 1 है तो 2 हो जाएगा, वही नीचे भी माइनस कर देना है। तो अब इसको नीचे जाएंगे तो √2 प्लस, और यह क्या है √2 और एक प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला स्टेप देखिए, नीचे भी सेम टू सेम करना है, √2 और एक 2 हो जाएगा, और गुणा में कितना है √2 तब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस वाला है तो √2 और प्लस में है तो प्लस √2 तो हम इसको 2√2 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये 2 भी है तो 2 प्लस √2 भाई। अब देखिए नीचे गुणा करना है तो इसमें भी एक 2 हो जाएगा, 2 प्लस, और जब √2 से गुणा करेंगे तो देखिए पहले √2 में √2 से गुणा किया क्या आ गया, 2 आ गया, और फिर 2 से √2 में करेंगे तो हो जाएगा √2। तो ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर लिख दिया है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, तो इसको बना के देखेंगे कि उतना हार्ड है या नहीं। 3 के पावर x + 3 + 7 = 250 है तो x का मान क्या होगा। तो आप सोचिएगा कि 3x करना है, पावर x कैसे निकलेगा, तो उससे नहीं, कभी कभी आंसर लाने के लिए ऑप्शन को भी यूज कर लिया जाता है कि हम ऑप्शन कौन सा रखेंगे कि हो जाएगा। तो ऑप्शन लाने के लिए सबसे छोटा से हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से देखते हैं कि ऑप्शन आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 3 के पावर x + 3 है +7 = 250। सबसे पहले इसको एक स्टेप +7 को हटा देंगे, 3x + 3 = 250 -7, प्लस में है = के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x + 3 = 245। अब इतना है, अब x के मान हम क्या रखेंगे कि 243 आ जाएगा। तो x का मान हम 1 रख के देखते हैं, x के मान अगर हम 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 और +3 तो 3 के पावर क्या आ जाएगा, = आएगा 4। तो 3 के पावर अगर 4 करते हैं, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 तो 3 3 9 9 9 81 81 आंसर है। तो नहीं है तो ऑप्शन एक हमारा सही नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे को ट्राई करते हैं। अब 2 को रखेंगे, 1 2 ऐसे सीरियल से चेक करना है तो 3 और एक्स की जगह पर 2 + 3 तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर वाला हाथ जुड़ जाता है, 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 मतलब क्या कि 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम। अब गुणा करना है, देखिए डबल डबल कर दीजिए, 3 3 9 9 ये हो जाएगा तो 9 9 81। 81 में 3 से कीजिएगा 3 और 3 का 24, 243 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये कर रखे 2 लिख के मान लाए थे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु के अनुपात दिया गया है क्या, 8:13 था, उनका वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की आयु पूछा गया है, इसकी आयु ए की आयु पूछा गया है। तो देखते हैं क्या दिया गया है, 18 वर्ष पहले की आयु का अनुपात बराबर 8/13 है, 8x 13 है
18 वर्ष पहले कहा गया, इसलिए इसमें माइनस 18 कर देंगे, इसका टू क्या हो जाएगा? अब वर्तमान आयु का अनुपात 5/7 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 56x, 18 × 126 इजकल टू, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 65x − 18 = 90, माइनस है तो −90 हो जाएगा। अब अंक वाला को एक तरफ और एक्स को एक्स एक्स तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56x, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 65x = जब इसको अब यहाँ −90 और जो माइनस ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 126। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 65 में से 56 तो कितना हो जाएगा, −9x = अब यहाँ 126 में से 90 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस ज्यादा है इसलिए 36 होगा, तो एक्स एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, x = 36/−9, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा −4। एक्स का मान कितना आया, s = −4। अब s = −4 का मान इसमें रखेंगे समीकरण में, तो पहले समीकरण कहता है कि 8x − 18, एक्स का मान यहाँ 4 − 4 करेंगे 8 × −4 − 18, तो इसका हो जाएगा −32 और −18, तो −32 और −18 ऐड करेंगे तो 8 × 10 है और 3 × 4 = 5, −50। उम्र भी कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो इसका आंसर राइट कितना हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु, ए की आयु 50 वर्ष, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि tan A = tan B, मतलब tan A और tan B का बराबर बराबर है तो A और B, A plus B क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको 10, 45, 60 और 90 इसका मान याद होना चाहिए। तो देखते हैं बना के 10, 45, 60 कितना होगा। अगर 10, 60 ले लेते हैं, 10, 60 तो 10, 60 का मान कितना होता है, 10 10 60 = cot 60, 10, 60 का मान होता है √3 और cot 60 1/√3, तो यह इक्वल है इक्वल नहीं है, तो यही हमको चेक करना है कि कौन सा इक्वल है। तो अब 10, 45 लेंगे, 10, 45 का मान कितना होता है, 45 = cot 45, तो 10, 45 और cot 45 दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 1 हो गया। तो अब यहाँ एक समझने वाला बात है, ये 10, 45 का आया, ये आपका आया 10A का मान है, ये 10A है और ये 10B है, तो 10A मान 1 और 10B मान 1। ये नहीं है कि आपको 45 आंसर होगा, 45 नहीं मानना है, ये अब क्वेश्चन बना के आपका एक नंबर चला जाएगा। यहाँ समझने वाला बात है 10A का मान 1 और 10B का मान 1, A प्लस B पूछा गया है, तो A प्लस B इजकल टू A का मान कितना है, 1, A का मान कितना, A का मान 45 है, 10A की जगह 45 ही तो रखे हैं, ये तो हमने एक और एक क्या बराबर हो गया, मतलब कि 45 है सही है, तो 10A का मान कितना है 45 डिग्री, 10B का मान कितना है प्लस 45 डिग्री, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, आपका आंसर हो गया 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसरो में पूछा गया था URSC में ही, कि 0.3 और 0.40 के निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी है, 0.3 है, 4.0 के निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको याद होगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र इक्वल टू टंडन
एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई एन का होल स्क्वायर। तो एक्स इसको मान लेंगे एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, तो दूरी सूत्र के हिसाब से चलेंगे। रूट अंडर एक्स टू का मान कितना है, थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान कितना है, जीरो माइनस वाई वन कितना है, फोर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं अंडर रूट में है, थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री के स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ प्लस जीरो माइनस चार चार होगा, और चार का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, माइनस चार है तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा तो 16। तो रूट अंडर में 9 और प्लस 16 कितना होता है, 9 16 25, तो रूट 25 इक्वल टू रूट 25 का अगर रूट 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक अपडेट पाने के लिए थैंक यू दिस वाचिंग वीडियो।